इस नारियल को देख लो भाई, इस नारियल को अच्छे से देखा दे, इसकी क्वालिटी बहुत ही अद्भुत है। कहते हैं ना, तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से मेरी यार, एक गाना है, बिल्कुल उसी तरह से है। ऊपर वाले ने ना, कुदरत ने इसको बहुत फुर्सत से बनाया, देखो बिल्कुल सपाट, इसको काटे छिले नहीं है एकदम, देखो इसकी डिजाइन कितनी मस्त है। अब इस नारियल से हम पानी जांच करेंगे कि पानी है कि नहीं है, और इसका यूज हम उस बोर में कर रहे हैं जहाँ पहले से किसान का बोर हो चुका है, और ये हम जहाँ खड़े हैं ये वो बोर से निकला हुआ ये जो छोटे छोटे पदार्थ था ना कंकड़, वहीं पर खड़े हैं, देखो बोर वहाँ पर हुई है। और किसान ने हमें फ़ोन कर करके बार बार फ़ोन कर करके बुलाजीत किया कि भाई मेरे बोर हो चुका है, 8-9 बोर मेरे एरिया में हो गया है, सब ड्राई है, और यह बोर भी 700 फीट तक का हो गया, पानी नहीं निकला है, मैं कैसे करूँ आगे। तो मैं बोला भैया आप रुक जाओ, हम आपके बोर का चेक कर देते हैं पानी है कि नहीं है, उसके बाद आपको बता देंगे। तो इस नारियल से आज चेक करेंगे कि पानी है कि नहीं, रियल क्या है। तो चलिए भाई हम दिखा देते हैं कि पानी है कि नहीं इस बोर में, उस बोर को हम खोल कर भी दिखाएंगे, अभी ढक कर रखा है किसान ने, हम खुद खोलेंगे उसको। और यार यहाँ क्या है, वहाँ पर मुझे बैठना पड़ेगा, खुद उठाना पड़ेगा उस बोर की क्या कंडीशन है, इसलिए ना मैं किसान का ही टावल जो पुराना था उसी को मांग कर पहन लिया हूँ, तो इसको आप मेंशन मत लेना। तो चलिए भाई इसको हम ऐसे रख लेते हैं, ऐसे होता रहेगा, पानी रहेगा ऑटोमेटिक खिलेगा ये, इसको ऐसे ही रखते हैं और चेक करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं, यहीं पर आकर इन करेंगे, उसके बाद बोर को खोल कर देखेंगे। तो ये है भाई, तो आप चलो भाई ऊपर तरफ चढ़ जाओ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पर कोई पानी नहीं है, कोई गतिविधि नहीं है पानी की, यहाँ पर किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं है, बोर वहाँ पर है। पहले हम राउंड घूम कर देख लेते हैं चारों तरफ कहीं पानी है कि नहीं है, यहाँ पर कोई पानी नहीं है, यहाँ पर भी पानी नहीं है, इधर भी पानी नहीं है, इधर भी पानी नहीं है। हम वहाँ से स्टार्ट किए थे, फिर वहीं पर पहुँच जाते हैं, थोड़ा सा और बचा है, इसमें पूरा कंप्लीट वर्क करना पड़ता है, थोड़ा सी भी लापरवाही कर दोगे तो किसान का चूना लग जाएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट किए थे, फिर उसी जगह में आ गए, यहाँ पर कोई पानी नहीं है, चाहे 1000 फीट 1200 1500 फीट भी खोद लो पानी नहीं निकलेगा। अब चलिए हम बोर को खोल कर दिखाते हैं। चलिए भाई आप इधर आ जाइए, यहाँ पर नहीं है, ये देख लो बोर, ये बोर हुआ है यहाँ पर, इसको लकड़ी से ढक दिया गया है, तो मैं भी इसको अब हटा देता हूँ कि वास्तविकता यहाँ पर है क्या। ये जूट से बना हुआ बोरा है, किसान ढक कर रखा, धीरे धीरे हिलना पड़ेगा, कोई सर्प वगैरह रहेगा तो फिर वो हमको भी लुटा देगा। ये यहाँ पर कुछ नहीं है, ये इसको दिखा दो भाई, अच्छे से दिखा दो पब्लिक को, ये गहरा है, ये 8 इंची बोर है, ये देख लो पूरा पानी भी नीचे दिखेगा, ये यहाँ पर करीब करीब 7 फीट की गहराई में दिख रहा है, केवल 7 फीट की गहराई में पानी है। अब यहाँ पर भी पानी है कि नहीं है, कई बार क्या होता है आई साइड पानी नहीं होती लेकिन उसी जगह क्या है ना बुलबुला लेता रहता है अंदर से, तो यहाँ पर भी खड़े होकर देख लेते हैं कि है क्या। ये 8 इंची बोर है लेकिन ये फैल कर करीब करीब 12 इंच से भी ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पर पैर रखना तो बहुत रिस्की है, फिर भी मैं पैर रख रहा हूँ, आप लोग रिस्क मत लेना, मेरा आगे पीछे कोई नहीं इसलिए मैं टेंशन नहीं लेता, खड़ा हो जाता हूँ कहीं पर भी। लकड़ी सड़ गया है, अगर ये लकड़ी टूट गई तो मान का चलो मैं 700 फीट नीचे गहरा जाऊंगा, तो भाई आप लोग इसका मत लेना यार। तो मैं हिम्मत कर रहा हूँ, देखो ये एक बार फिर देख लो, ये यहाँ पर किसी तरह की कोई हलचल नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं है, इस बोर में पानी नहीं है यार, बिल्कुल सूखा है। अब किसान को बता दिया गया कि यहाँ पर पानी है, पानी तो है नहीं है, तो अब किसान करे तो करे क्या, वो तो कह रहा मैं और खुदवाने को तैयार हूँ, पानी निकलना चाहिए, पैसा पार्टी है, लेकिन पानी नहीं है तो करे क्या। अब देखो मैं एक वस्तु स्थिति बता रहा हूँ, यहाँ पर क्यों बताया गया पानी जांच, अब इधर से आ जाना भाई, इधर देखना, अब नीचे जाओ, दूर से लेना इसको थोड़ा से, ये देख लो इधर मेरे राइट साइड में अर्जुन का पेड़ है,
इसे हम लोग इधर कौहा का पेड़ बोलते हैं ये। और ये लेफ्ट साइड में भी अर्जुन का पेड़ है, दो पेड़ है यहाँ पर, दो पेड़ है। और उसकी डाल झुकी हुई है, ऊपर भी दिखा दे भाई, डाल झुकी हुई है, उसी को काट कर वहाँ पर रखा गया, बोर किए तो यहाँ ऊपर को काट दिया। तो पानी जांच करने वाले ने बताया कि भैया यहाँ पर चार धार बह रही है, चारों दिशा से धार लगी हुई है, यहाँ पर बहुत पानी है, बहुत पानी निकलेगा, 5 HP का पानी तो ऐसे ही चलेगा। अब देखो दो पेड़ और चार धार बता दिए, पानी तो एक बूंद नहीं है। तो पानी जांच करने वाले लोग भी ना बहुत एक नंबर के काम चोर हो गए हैं आजकल, केवल यहाँ जांच कर दिए, बता दिए, भाग गए, फिर दूसरी जगह चले गए, तो ये बिजनेस बना लिए हैं। किसान का लाखों का चूना लगा लग जाए, लगा देते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फोन लगाओगे तो उठाते भी नहीं है। किसान बता रहा था कि भैया मैं इसको बार बार फोन लगाता हूँ, पहले एक दो बार हाल चाल पूछा है, उसके बाद फोन उठाना बंद कर दिया है, बुलाता हूँ तो आते नहीं है। तो कारण ये है, अगर फोन वो आ गया उसके फोन से, तो आप लोग जानते हो ना किसान का गुस्सा सातवें आसमान में जब चढ़ता है ना तो किसी को भी नहीं छोड़ता वो। अब उसको पता है किसान पेड़ में बांधेगा और तबियत से कुटाई करेगा, उसको एहसास होगा, इसलिए वो नहीं आ रहा है। अभी किसान करे तो करे क्या, वो तो जांच करके बता दिया, ऐसे खड़ा हो गया यहाँ पर, तो बता दिया भैया अर्थिंग घूम रहा है, लोहे की राड को पकड़ के आया था, बता दे घुमा दिए। अब कैसे घूमता है आज तक कोई नहीं जाने, घुमा देते हैं कहीं पर, उंगली का खेल रहता है, घुमा दिए चले गए, अब चूना तो लग गया। अब ये किसान को पानी चाहिए, हमको भी बोला कि भैया कहीं पर भी वो पानी बता दो। तो यार आप लोग एक चीज़ ख्याल रखना, ये पानी जांच करने वाले ना क्या करते हैं, कहीं पर डाल झुका रहता है वहीं पर बता देते हैं, कहीं पर भीम भोरा भुड़ूर है वहाँ पर बता देते हैं, कहीं पर बोझरी का पेड़ है वहीं पर बता देते हैं। तो भाई आपके पास कुछ टेक्निक होना चाहिए ना, बता रहे हो तो। वो तो किसान भी हर कोई ऐसी कर लेगा तो उसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए अब वो तो जो होना था हो गया है, अब अपने पानी खोज में लग जाते हैं कि कहाँ पर पानी है। तो चलिए भाई इसी दिशा में चलते हैं, आप आगे चलिए और मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ, देखते हैं कि पानी है कि नहीं। यहाँ तो नहीं है, हम किसान को कोई थोड़ा भी अलाउ नहीं करेंगे कि पानी है कि नहीं, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। हम यही बता दिए हैं उसको कि भैया भूल जाओ, वो हमारे आगे आगे घर देख रहे हैं यहाँ पर है मौजूद, उसको भी एहसास हो गया कि यहाँ पर पानी नहीं है, वो ठगी का शिकार हो गए हैं। तो हम आगे चल कर देखते हैं, किसान का ही मेड़ा ये, इधर क्या सिचुएशन बनी रही होगी जिसके आधार पे उन्होंने कहा कि पानी है, यहाँ तक तो पानी नहीं है भाई, पानी यहाँ पर है, देखो मेरा पैर देखो, ये पानी इधर है, ये देख लो भाई, ये देख लो पैर यार, ये देख लो पानी, ये देखो पैर रख रहा हूँ, ये देख लो, ये मेरे जो यहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ पानी नहीं है, और जहाँ पैर आगे बढ़ा रहा हूँ पानी है, देख लो भाई, ये ऑटोमेटिक उंगली को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, देख लो ये जैसे ही टच हो रहा है, ये देखो हम इसको रखते हैं, ये हो गया, रखे हैं इसलिए पूरा खड़ा हो गया। अब जाके देखते हैं आगे क्या है, यहीं पर हमारा लेंस बढ़ रहा है, मतलब पानी की धार जो है ना आगे बढ़ रहे तो हल्का लग रहा है, और यहाँ पर पैर रखें तो भारी लग रहा है, मतलब ये है कि पानी इस दिशा से आई है, पानी इस दिशा से आई है तो हमको भी इसी दिशा में जाना पड़ेगा। देखिए ये पानी इसी दिशा में है भाई, ये पानी जो है ना इसी दिशा में है, ये हम पीछे पीछे जा रहे हैं यार, वस्तु स्थिति क्या है ये देख लो भाई, ये नारियल सपाट नारियल है वो भी खेलना शुरू हो गया, और वो नामी की नामी बहुत बड़ा नामी आदमी था, वो जांच करने वाला पाल नहीं पाया, काम चोरी किया ना उन्हें, उसको लगा होगा पानी उधर से आई है, पानी वहाँ से कट गई है, उसको लगा उधर देखा होगा पानी इधर गई है, तो पानी उधर नहीं गया है, पानी इधर है, देखो ये पानी है, चूना को देना भाई थोड़ा सा, चूना को थोड़ा सा, किसान को पॉइंट देंगे कि कहाँ पर, इधर तेज़ हो रहा है पानी, इधर तेज़ हो रहा है, इधर तेज़ है, हाँ ये देखो भाई कैसा खेलता है, पानी जहाँ रहता है ना वो ऑटोमेटिक खेलता है, और जहाँ पानी नहीं रहती है वहाँ ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है। तो यहाँ पर पानी है यहाँ पर, तो उसको पॉइंट देते हैं, यहाँ पर पानी है उसको देखते कहाँ पर ज़्यादा पानी है, धार तो एक ही है, डबल धार नहीं है, क्रॉसिंग नहीं है, यहाँ पर पानी जो सीधा आई है वो क्रॉसिंग नहीं हुई है, सीधी निकल, मतलब ये बहुत हार्ड पत्थर में है, अगर ये मजबूत पत्थर में होता तो ये सीपेज बहुत बताता, लेकिन ये सीपेज नहीं बताता है, तो इसको हम पानी
इधर यहीं पर देंगे क्योंकि हलचल यहीं पर ज़्यादा है, यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो रहा। देख लो भाई, अच्छा से दिखा दो यार, क्या पब्लिक के दिमाग में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देख लो भाई, मैं हाथ की उंगली को कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसमें चूना पकड़ा हूँ, साथ ही ला के दिया है, खेत मालिक है वो ला के दिया है, क्या करें यार, उसी को हम बोल दिए ला दो भैया कहकर, हमारा तो साथ तो कोई आया नहीं है, कैमरा मैन बस है। देख लो भाई यहीं पर, तो किसान को यहीं पर पॉइंट देते हैं, तो हम चूना लगा देते हैं यहीं पर, सिंगल धार है, यहाँ पर डबल तिबल कोई धार नहीं है। अब कैमरा मैन आप इधर आ जाओ भाई थोड़ा से, अब बैठ के दिखाते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है। देखो भाई यहाँ पर बैठे हैं, बाजू में पानी नहीं है, अब थोड़ा थोड़ा जा के दिखाते हैं कि क्या है। नीचे तरफ को भी देखना है यार, उंगली को देखते रहना कि क्या है, पानी के नज़दीक पहुँच गई थी ना तो वो फेंक दिया, धार अच्छी है, देखना है ये। यहाँ पर देख लो कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लीन है, किसी तरह का केमिकल का उपयोग नहीं किया हूँ मैं। देख लो नारियल को भी देख लो, ये एक बार उठा के दिखा देता हूँ, ये चूना पकड़ा था वो, ये यहाँ पर नहीं है, नहीं है, नहीं है। देख लो जैसा, ये देखो, ये देख लो, ये पहुँच गया, ये पहुँच गया, दूर है नहीं है, यहाँ पर है देखो, अब इधर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पानी इस दिशा में पूरा है, देखो ये, ये अब इसकी चौड़ाई कितनी है वो भी नाप के बताते हैं। अब इस दिशा को तो हम नाप लें, यहाँ पर पानी स्टार्टिंग में कॉर्नर में, अब हम उधर जाते हैं फिर उधर से दिखाएंगे। तो कैमरामैन भाई आप इधर आ जाओ, मैं उधर बैठता हूँ, तब ये पता चलेगा कि इसकी चौड़ाई कितनी है, क्योंकि चौड़ाई नापना भी और उसकी वजन नापना, गहराई नापना भी बहुत ज़रूरी है, तभी किसान को अंदाज़ा लगता है कि पहले से सोच सकता है कि मेरे बोर में इतने फीट की गहराई में पानी निकलेगा। तो मैं पहले से बता दिया रहता हूँ कि भाई यहाँ पर हज़ार फीट में मिलेगा पानी कि 2000 फीट में मिलेगा। तो चलो भाई यहाँ पर फिर बैठते हैं, देखो ये देख लो, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है थोड़ा सा, यहाँ पर ये, यहाँ से स्टार्ट होगी पानी, तो यहाँ पर कुछ रख देते हैं, जैसे इसको रख दिए यहाँ पर, चलो यहाँ पर ये यहाँ से ले रहा है पानी, ये अब यहाँ पर देखते हैं, ये किनारे यहाँ पर भी ले रहा है, यहाँ पर भी ले रहा है, मतलब चूना लगा है उसके, एक दो अंगूर इस तरफ आ रहा है, तो इसको अब कितनी चौड़ाई उसको भी नाप देते हैं। देखना ये फिक्स है, चार अंगूर है, देख लो ये देख लो ये, अब इसको ऐसे भी पलट के रख देता हूँ, ये तो यहाँ पर चार अंगूर की पानी है, मतलब 3.5 इंच, और कितनी गहराई में ये भी बता देता हूँ, गहराई को लेकर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको बताते चल रहा हूँ, तो देख लेना, नारियल को देखते रहना, उंगली को देखते रहना, ये बहुत वजन देते हुए जा रही है, ये इसकी वजन बहुत है, हाथों में वजन करके गई है, ये मतलब हाथों में बहुत वजन कर रही है, इसका मतलब यही है कि बहुत गहराई में है। और मेरा अंदाज़ा है यहाँ पर ये 1270-1280 फीट के आसपास में, ये देख लो, ये जैसा रख रहा हूँ खेल रहा है भाई, देख लो ये कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक सपाट, ये ऑटोमेटिक खेलना शुरू हो गया, देख लो भाई, ये नारियल को भी देख लो, ये तो यहाँ पर कहा जाए कि 1270-1280 फीट में पानी निकलेगा, उससे ऊपर पानी नहीं मिलेगा, एकदम सूखा, क्योंकि एक ही धार है, इसके अलावा और कोई धार नहीं है। तो किसान भाई यहीं पर बोर करा ले, हमारे आगे खड़े हैं किसान बंधु, उसको मन में भी खुशी है कि मेरे खेत में चलो पानी है, उसको पूरा भरोसा है यार हमारे ऊपर, सॉरी भाई है ना यार, पानी रीजनल जांच करता है। आप लोगों को भी अगर पानी जांच करवाना हो, अच्छा ड्राई एरिया हो तो बताना भाई, क्योंकि जहां पानी है वहां टाइम पर बात करने के लिए यार मुझको मत बुलाना, एकदम सूखा एरिया में बुलाना जहां पानी नहीं निकलता या दम टूट गया किसान का तब, क्योंकि वैसे एरिया में काम करना अच्छा लगता है जहां पानी नहीं निकलता है। अब बाकी के लिए तो सब बैठे हैं यार, 1000-2000 वाले बैठे हैं, उनका रोजी रोटी नहीं मारना है अपने को। तो यार हम फिर अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले आप लोग सारी भाई को इजाज़त दीजिए, और हाँ किसी तरह से कोई ज़रूरत पड़े तो मोबाइल कर लेना यार, मेरा मोबाइल नंबर है 7000-7165-99। तब तक ले सारी भाई को जय जोहार।